मैंने जब आपके ही साथियों ने मुझसे सवाल पूछा था, ये बहुत पुरानी ट्रिक है और बीजेपी होशियार है, बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है, कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है, कब प्यादा चलना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, आप इनको पहचानते हैं? वो प्यारे मोहन हैं। अखिलेश जी उसी कार्यक्रम में अखिलेश इसलिए यादव मैं ने कहना बताया चाहता था। हूं ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार बढ़ाने में जुट गई, तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटा जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी, जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। और फिर भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? कितने वोट लीक कर गए उनके? 2.25 लाख। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जनता का ये जवाब देना चाहिए कि अगर हम आंकड़े ठीक तरीके से जनता को समझा ले जाएंगे, तो जनता के सामने क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का पास, कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, 1 लाख किसान और आंदोलन के तहत जिनकी जान गई वो भी हजारों हैं। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लाए थे, कितने किसान शहीद हो गए और आज भी किसान आंदोलन कर रहा है और एमएसपी मांग रहा है। क्या एमएसपी देने का इनके पास कोई रास्ता है? और रास्ता भी कैसे बनेगा, जब उधार पैसा बढ़ गया हो, देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, जिस सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद कर्ज बढ़ा हो और फिर